हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ अमेजिंग से किचन टिप्स एंड रेसिपीज लेके आई हूँ जो आपका काम तो आसान करते ही है, साथ ही में आपका वक्त भी बचाते हैं। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए घंटी के साथ, ये बिल्कुल भी फ्री है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स टिप नंबर 1 देख लेते हैं। तो ये ग्रेटर को लेकर है, ये ग्रेटर देखिए मैं लगातार ही इसे रोज यूज़ करती हूँ तो ये पीला पड़ जाता है, इसमें शाइन नहीं है, एकदम डल हो गया है। तो इसको कैसे आप डीप क्लीन करें उसके लिए मैं आज आपको टिप बताऊंगी। तो एक प्लेट ले लेंगे और मैं यहाँ ले लूँगी फ्रेंड्स नमक, जो हमारे घर पर 100% अवेलेबल होता है। तो नमक आपको इस तरह से स्प्रिंकल कर लेना है और थोड़ा सा साइड में भी ले लेती हूँ। इसके बाद आप ले लें टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट ले लें जो भी आप यूज़ करते हो, और कोई पुराना टूथब्रश के हेल्प से इसे अच्छी तरह से आप अप्लाई कर लें। ये देखिए इस तरह से, जब नमक और टूथपेस्ट दोनों ही मिलते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो बर्तन है उसमें शाइन आ जाती है। तो ये देखिए पीछे के साइड में मैं थोड़ा नमक अप्लाई कर देती हूँ और थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा देती हूँ। इसे मैं रोज ही यूज करती हूँ ये वाला ग्रेटर, स्पेशली चाय बनाने के टाइम पे अदरक कद्दूकस करने के लिए। तो हम रोज इस तरह से डिप क्लीनिंग नहीं कर पाते, तो 10-15 दिन में आप इस टाइप से कर लीजिए तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, इसमें जो पीलापन होगा वो भी सब निकल जाएगा। तो थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसे इस तरह से अप्लाई कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसे 10-15 मिनट के लिए रखूंगी। अगर आपका ग्रेटर ज्यादा गंदा है, ज्यादा पीला है, तो आप आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दें। तो फ्रेंड्स 10-15 मिनट हो चुके हैं और मैं फिर से इसे ब्रश के हेल्प से ही घिस रही हूँ। आप इसे स्क्रबर नहीं लगाइएगा, तो वह स्क्रबर भी खराब हो जाता है। तो कोई पुराना टूथब्रश के हेल्प से इसे घिसेगा और फिर नॉर्मली आप जैसे भी वॉश करते हैं उस तरह से आप इसे डायरेक्टली वॉश कर ले। तो यहाँ मैंने घिस लिया है, चलिए अभी उसे वॉश कर लेती हूँ। और ये देख सकते हैं आप इसमें क्या शाइन आ गई है, जो भी पीलापन था स्पेशली यहाँ ये लाइन्स के यहाँ, ये सब निकल चुका है। और ये जो छोटा एरिया होता है ना, वहाँ ज़्यादा पीलापन होता है और गंदगी फंस जाती है। तो टूथब्रश, टूथपेस्ट और नमक के हेल्प से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा 8 से 9 साल पुराना ये ग्रेटर है फ्रेंड्स, और ये देखिए अभी भी ये इतना चमक रहा है क्योंकि मैं इसे इसी तरह से डिप क्लीन करती हूँ। तो 10-15 दिन में आप इस तरह से डिप क्लीन करिए। कैसी लगी आपको ये टिप, कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड्स टिप नंबर 2 देख लेते हैं। ये बहुत ही यूजफुल टिप है और मैं इसे फॉलो करती हूँ कई बार, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ मैं तुअर दाल की बात कर रही हूँ। नॉर्मली जब भी आप दाल बनाते हैं तो इसी तरह से बॉईल कर लेते हैं, बट अगर आपको इसका स्वाद थोड़ा चेंज चाहिए और जल्दी से पक जाए आपकी दाल, तो आप क्या करें इसको हल्का सा रोस्ट कर ले। बिल्कुल तेल वगैरह नहीं डालना है पैन में, बस इसी तरह से आपको हल्का सा इसे 5 से 6 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। इससे 2-3 बातें होती है फ्रेंड्स। एक तो दाल रोस्ट करने से इसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा हो जाता है, अच्छा लगता है जब आप कोई भी दाल बनाए। सेकेंड कि ये जब आप स्टोर करते हैं रोस्टेड दाल, तो इसमें कीड़े और जाले लगने की प्रॉब्लम नहीं आती है और दाल आपकी कई दिनों कई महीनों तक एकदम फ्रेश रहती है। तो इस तरह से कर सकते हैं। और तीसरी बात कि दाल जल्दी से पक जाती है, जैसे 4 विसल में पकाते होंगे तो 2 ही विसल में पक जाएगी, तो आधा टाइम में तो हुई ना ये टाइम की बचत। तो इस तरह से आप हल्की सी दाल को रोस्ट करें, उसे स्टोर करें या पकाएं। चलिए फ्रेंड्स अगली टिप डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। तो ये बची हुई इडली को लेकर है। तो कल मैंने इडली डोसा और मसाला डोसा बनाया था, तो इडली बच चुकी है, तो इसको कैसे रीयूज करें इसके लिए मैं आपके लिए टिप लाई हूँ। बहुत ही मज़ेदार टिप, जो सब पहले इडली नहीं खाते थे सभी लोग खाना पसंद करेंगे। तो इडली को आपको बीच से इस तरह से कट कर लेना है, एकदम आराम से करिएगा ये। तो इसी तरह से मैं सारी इडली को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी। और यहाँ मैंने ले लिया कैचअप और ये है आलू का मसाला जो मैंने डोसा के लिए किया था और ये बच गया है। और वैसे अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी सब्जी बची हुई है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, कोई भी सब्जी आप इस पर लगा सकते हैं। तो कैचअप लगा देंगे पहले दोनों साइड और फिर ये जो सब्जी है तो ये लगा दूंगी मैं इस तरह से, ये देखिए, और ऊपर से फिर से ये इडली का टुकड़ा लग रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें बीच में चीज़ भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ, इसी तरह से मैं इसे बना रही हूँ। तो ये देखिए, तो एक अलग सी नई सी इनोवेटिव सी रेसिपी हो जाती है अगर आप इस तरह से क्रिएट करके देते हैं किसी को भी देते हैं, तो प्रेजेंटेबल भी लगती है साथ में टेस्टी भी लगती है। तो इस तरह से देखिए मैंने दूसरी इडली पे भी लगाती है, तो सारी इडली को मैं इस तरह से रेडी कर लूंगी। तो देखिए मैंने सारी इडली को रेडी कर लिया है। एक हम यहाँ मसाला बनाएंगे, तो 1/2 चम्मच हल्दी ले लूंगी मैं फ्रेंड्स, धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच के करीब ले लूंगी, साथ ही में 1/2 चम्मच में रेड मिर्ची का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे क्योंकि नमक इडली में
में भी है, सब्जी में भी है, तो थोड़ा सा कम डाल दिया है। भुना जीरा का पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच के करीब चाट मसाला डाल दिया है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा स्पाइस मिक्स रेडी है जो इडली के ऊपर जाने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पैन पे थोड़ा सा तेल डाल दिया है 2 चम्मच के करीब, और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए फ्रेंड्स, तो हमने जो मसाला बनाया ना स्पाइस मिक्स, इसको हम डाल देंगे। ये स्पाइस मिक्स को आप बना के एक डब्बे में भर के रख सकते हैं, जब किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं आया ना तो ये स्पाइस मिक्स छिड़क दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है स्पेशली चाट मसाले के साथ। तो देखिए इस तरह से मैंने स्पाइस मिक्स को डाल दिया है और तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब हमने जो ये इडली बनाई है ना, ये इस पे हम डाल देंगे। ये देखिए, तो ऊपर नीचे जो प्लेन इडली थी वो एकदम मसाला इडली बन जाएगी फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से दोनों साइड में लगा दूंगी और इसे होने देते हैं फिर। तो मैं सारी इडली को इसी तरह से इस पे रख लूंगी और दोनों साइड इस पे मसाला अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए, वाह क्या बढ़िया, देखिए कलर भी कितना बढ़िया आ गया, हमने स्पाइस मिक्स पहले ही बना के रखते ना। तो इस तरह से एक एक करके मसाले डालेंगे तो मसाले जल जाते हैं, फिर उसका स्वाद अच्छा नहीं आता। तो इस तरह से आप टिप फॉलो करिए। तो ये देखिए, अब एक साइड होने देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। आपको जितना क्रिस्पी करना है उसके हिसाब से आप इसे धीमी आँच पर होने दें। तो धीमी आंच पे होने के बाद हम इसे टर्न कर लेते हैं। तो ये हो चुका है फ्रेंड्स, तो चलिए अब टर्न की बारी। तो एक हाथ में मैंने नाइफ पकड़ा है, आप चम्मच या एक स्पैचुला लेके इस तरह से टर्न कर ले, ये देखिए, ताकि खुले नहीं, क्योंकि मैं पकोड़े वगैरह नहीं बनाना चाहती, कम तेल में ही मैं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने इस तरह से ये एक इनोवेटिव रेसिपी मैंने ट्राई की। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। दूसरी साइड भी इसी तरह से होने देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, जितना क्रिस्पी चाहिए उस हिसाब से। चलिए अब सर्व कर लेते हैं। तो इसे गर्मा गर्म खाइएगा फ्रेंड्स, एकदम सैंडविच जैसा लगता है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया। इसे केचप के साथ या चटनी के साथ सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी अंदर केचप लगाया है। तो एज इट इज़ इसको फट करके उठाइए, झट करके खा जाइए। कैसी लगी ये रेसिपी आपको कमेंट करें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की अमेजिंग टिप्स, थी कि नहीं ये यूज़फुल, और अगर आप यूज़ करते हैं तो वापस आके फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही अनोखे टिप्स लाने के लिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए घंटी के साथ, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।